हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना JEE मेंस में चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर को ही आगे बढ़ा रहे हैं और लेक्चर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन जो क्वेश्चन पढ़ा है वो 2019 में 10th जन को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन बिटवीन 0 to π फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने को पता है मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उससे बनने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इन सब के कोफिशिएंट को लेंगे, ये हो गया 1, 3, 7, ये हो जाएगा -1, 4, 7 और यहां पर आपके पास एक्स का कोफिशिएंट साइन थीटा देन कॉस 2 थीटा एंड देन 2 is equal to 0। ठीक है, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिया है तो इससे बनने वाले जितना भी आपका कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहां दिख रहा है आपको ये भी 7 है, ये भी 7 है, इसको 0 कर देते हैं अपन, R1 में कर रहे हैं R1 - R2, इससे आपका इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, 4 में -1 ये 0, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, देन sin 3 थीटा cos 2 थीटा और 2। यहां पर क्या है, साइन 3 थीटा और कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला अपन लिखेंगे साइन के टर्म्स में, इसको जब अपन एक्सपांड करेंगे तो अपने को पता चलेगा। ठीक है, यहां पर अपने पास एक नंबर 0 आ चुका है तो इसी से अपन R1 से एक्सपांड करेंगे। सबसे पहले 2 को लेते हैं, ये हटा ये हटा, 4 2 8 -7 cos 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को लेंगे, ये हटा और ये हटा, -2 ये हट गया है और ये हट गया है, -7 sin 3 थीटा ठीक है इज इक्वल टू 0, ये खत्म आपका, ये 0 से एक्सपांड करने का मतलब ही नहीं है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 8 2 16 -14 cos 2 थीटा -2 -7 sin 3 थीटा। ओके, अब इसको पूरे एक साथ लिखते हैं, पहले 7 को लिखते हैं -7 sin 3 थीटा -14 cos 2 थीटा और ये हो जाएगा आपका +14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन 3 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं अपन। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा आपका -7 एज इट इज है, साइन 3 थीटा आपका हो जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, फिर उसके बाद आपके पास आ गया -14 और ये आ गया -14 कॉस 2 थीटा की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और आपके पास क्या बचा है +14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7 3 - 21। अब जहां जहां साइन थीटा है अपने इसको सहूलियत के लिए अपन साइन थीटा को एक्स ले लेते हैं एक बार। ठीक है, बार बार साइन थीटा लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -21 ओनली एक्स, -1 + 7 4 = 28 x³ -14 -1 + 28 x² और +14 इज इक्वल टू 0। -14 और +14 कैंसिल, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर के साथ, तो 28x³ + 28x² -21x = 0। इन सब से अपने को 7x कॉमन दिख रहा है वो निकाल लेंगे, 4x³ + 4x² -3 = 0। ओके सॉरी, एक्स निकल चुका है तो एक्स स्क्वायर यहां आ जाएगा और एक्स ही आ जाएगा। ओके, अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 4 3 = 12, 4 को आपने करना 6 और 2, ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आ जाएगा, +6x, ये स्क्वायर है 6x -2x -3 = 0, 7x एज इट इज, इन सब से 2x कॉमन तो बचा 2x + 3 -1 कॉमन 2x + 3, तो बहुत सिंपल चीज है। तो पूरा आपके पास आ गया 7x में 7 था 0 हो जाएगा, ओनली x बचा क्योंकि x को हमने साइन थीटा लिया तो उसको 0 नहीं कर सकते, ये हो गया आपके पास बचा 2x - 1 और 2x + 3। इसका क्या मतलब हुआ, साइन थीटा की वैल्यू या तो 0 होगा इसकी वजह से, साइन थीटा की वैल्यू या तो +1/2 होगा इसकी वजह से, और साइन थीटा की वैल्यू -3/2 होगा, तो ये तो होता ही नहीं कभी। ठीक है, अपने को पता है कि 0 से 1 -1 से 1 तक जाता है। अब यहां पर क्या हो गया, 0 दे दिया और 1/2 आ गया, ये दो वैल्यू है, लेकिन अपने को क्या दिया, थीटा आपका वेरी करता है इन बिटवीन 0 to π, ये आपका ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ आपकी 1/2 की वैल्यू आएगी, तो थीटा की वैल्यू 1/2 होती है आपकी π/6 में
और एक बन जाएगा 5π/6 में, ठीक है 30 में, और उसके बाद अपन उसमें 90 ऐड कर देंगे तो 120 में, यहां पर दो जगह आपका 5π/6 होता है। तो टोटल थीटा का आंसर आपके पास 2 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका ए आ जाएगा कि इस क्वेश्चन के लिए जो आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है उसमें थीटा की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2019 में 11 जन को शिफ्ट 1 में आया था, यहां पर क्या दिया, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वेयर ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर मोर देन 10 सॉल्यूशन है, ठीक है, तो मोर देन 10 सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, मोर देन 1 सॉल्यूशन में डी इक्वल टू 0 होता है और d1 d2 d3 इज इक्वल टू भी 0 होता है। अब ये क्या होता है d1 d2 d3 कि अगर अपन इसको लेंगे, ठीक है, d1 को लेते हैं, मान के चलिए अपन कर रहे हैं d1 इज इक्वल टू 0, तो जो x की कोफिशियंट्स है उसमें सारे ये आपके कांस्टेंट आ जाएंगे a b c, और y और z के एज इट इज रहेंगे, तो 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड 3 5 एंड 2 ये आपका होगा इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोर देन वन सॉल्यूशन या जिसको बोलते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0, डी मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मिलकर बनने का डिटरमिनेंट 0, d1 में क्या होता है x एलिमिनेट हो जाता है उसकी जगह पे कांस्टेंट रिप्लेस हो जाता है y और z एज इट इज रहेगा, वैसे d2 में ये वैल्यू जो है वो y की जगह रिप्लेस हो जाएगी, x और z अपने पोजीशन पे एज इट इज रहेगा, d3 में वो z की वैल्यू इस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगी। तो अभी अपन को a b c चाहिए, तो तीनों इन दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं, अपन सिंपल a को ले लिए, डायरेक्ट एक्सपांड करते हैं इसको, a ले लिए हैं तो -2 + 15 ये हो जाएगा, -2 लेंगे, ये हटा 2b, ये हट गया आपका, ये हट गया 2b - 5c, ये आ गया, +3 लेंगे अपन, ये हटा, ठीक है, ये आपका हट गया, तो -3b, ओके, उसके बाद -+c इज इक्वल टू 0, ठीक है। a लेंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, 2 और 3 लेंगे तो b और c भी आएगा। अब इसको अपन ओपन करते हैं, -2a, अच्छा ये तो सॉल्व हो जाएगा सिंपल, a आपका हो जाएगा 13 पॉजिटिव में, ये ओपन करेंगे तो -4b + 10c -9b + 3c इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 13a, ठीक है, -2 और ये 15 हो जाए, ठीक है। फिर ये हो जाएगा b और b नॉर, ये आपका -13b हो गया, ठीक है, फिर और ये भी आपका हो जाएगा कितना 13c, सारा 13 आ गया आपका, 13 निकाल के हटा देंगे तो बचेगा क्या, 13 हो जाएगा 0 हो जाएगा, a - b + c इज इक्वल टू 0। तो इससे अपने को क्या मिल रहा है, कौन सा आपका सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है, ये देखना है अपने को। सबसे अगर माइनस निकाल के अपन उधर फेंक देते हैं, माइनस निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, -c - a इज इक्वल टू 0, माइनस उधर चला गया तो b - c - a इज इक्वल टू 0, ये वाला आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि अगर मोर देन वन सॉल्यूशन दिया है तो कौन सा आपका जो प्रॉपर्टी वो लगेगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका उसी 2019 में 11 को शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया, लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड इफ a into a ट्रांसपोज इक्वल टू i3 देन मॉड ऑफ p इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा है लेकिन उतना ही आपके लिए क्या हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी हड़बड़ी हुआ तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सिंपल है, a और a ट्रांसपोज इज इक्वल टू i3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले अपन a लिखते हैं, a आपका एज इट इज है 0 p p 2q q - q r - r, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2q, बहुत इसको ध्यान से एक बार करेंगे तो एक बार में सही बन जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा आपका गलत हो सकता है इसमें चीजें, क्योंकि pq बहुत ज्यादा है ये, और मल्टीप्लाई करना है आपको, और ये जो भी आएगा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थ्री ऑर्डर मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, लेकिन सॉल्व करने में ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, उतना भी टफ नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले 0 × 0 = 0, 2 × 2q = 4q² और ये हो जाएगा +r² यहाँ पर हो गया r × r r² ये हो गया पहला इसको, फिर 0 × 0 = 0 हो गया, 2q × q + 2q² और r और माइनस, ये -r² हो गया, फिर
जीरो इंटू जीरो ये हो गया जीरो, टू क्यू इन माइनस में है तो माइनस टू क्यू स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये पहला भी खत्म हुआ ठीक है, यहीं तक आया गया, चीज को यहां रख लेते हैं। अब फिर इसको करेंगे, जीरो हो गया ये हो जाएगा फिर से टू क्यू स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर यहां पर आ गया, फिर पी इंटू पी पी स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और आर स्क्वायर, ये आगे पूरा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर पी इंटू पी पी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा क्यू स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा आर स्क्वायर, ये चीज हो गया आपके पास ठीक है। उसके थर्ड लाइन हो जाएगा पी इंटू जीरो जीरो माइनस टू क्यू स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर पी इंटू पी पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर, फिर लास्ट वाला वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हो रहा है 100 100 010 और 001 ठीक है, ये चीज होता है। बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अपने क्या पता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। अब हमको निकालना क्या है, पी की वैल्यू है तो हम क्या देखते हैं, एक ये वाला आपका सेंटर वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका वन है तो पहले इसको लिख लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन, पहला चीज। उसी के जस्ट बाजू में या नीचे वाला भी दोनों एक ही चीज है, पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो है, इसको ले लेते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो ठीक है। इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं तो ये पूरा कट गया, बचेगा टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दोनों को ऐड कर दिए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू और मॉड ऑफ पी अपन लेंगे तो वन बाय रूट टू, सिंपल इसका आंसर वन बाय रूट टू ऑप्शन बी ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अगर प्लस माइनस का दिक्कत हुआ तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन था 2019 के 11 के शिफ्ट वन में आया था, इसका आंसर आपका 1/√2। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया है, लेट ए एंड बी बी टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 8 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू 8 Then, determinant of B into A inverse into B of transpose, ठीक है? अब सबसे पहले यहां पर क्या दिया, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस मतलब क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिनका इनवर्स पॉसिबल होता है उनको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोलते हैं। अब अगर हम क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A into B into A transpose इक्वल टू A, तो इसको लिखते हैं अपन A into B into A transpose का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में दिया है मैट्रिक्स का उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो उसको अपन सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब क्योंकि डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो एक वैल्यू आएगा, वैल्यू में अगर सिंपल वैल्यू निकालो या सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट करके निकालो दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू का आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, तो यहां पर ए इनटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया आपके पास। सेकेंड अपने क्या दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू 8, फिर से सेपरेट सेपरेट करेंगे ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू 8 या डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन टू हो गया ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अपन 1 into 2 तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए बी से बी कैंसल इज इक्वल टू 64 या डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 64 या डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ओनली 4, ये आ गया। अब इस वैल्यू को यहां रख देते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 8 या डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आपके पास 4 4/8 ये हो जाएगा 1/2, ये दो आंसर आ गया। अब निकालना अपने क्या, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज ये निकालना कितना होगा, इसको लिख सकते हैं फिर से बी इंटू 1/a इंटू बी ओनली ठीक है। अभी आपने बताया कि किसी भी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उसके वैल्यू के इक्वल होता है, तो बी का वैल्यू कितना है 1/2, ए का वैल्यू कितना है 4 और यहां पर 1/a है मतलब ये 1/4 और बी का वैल्यू फिर से 1/2 तो 4 2 8 2 16 तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। सिंपल यहां पर आपका
डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी बस लगी है सिंपल, उसको अपन ब्रैकेट को ओपन कर दिया, सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/16 इसका आंसर आएगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2019 के 11 में शिफ्ट 2 में आया था, उसमें क्या दिया, इफ ए माइनस बी माइनस सी 2a 2a, 2b बी माइनस सी माइनस ए 2b, 2c 2c सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये दिया है। वहां x इज नॉट इक्वल टू जीरो और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो भी नहीं है, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे तो आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, एज इट इज उठ के अपने पास आया है। ठीक है, उसमें यहां पर ये चीज प्रूफ करने के लिए रहता था, अब ये दे दिया तो x अपने को निकालना है। तो यहां पर अपने को क्या साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा है कि मतलब क्या, यहाँ a माइनस बी माइनस सी है तो यहाँ 2b और 2c है, जो जो वैल्यू यहाँ माइनस माइनस में वो दोनों यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव में 2 के साथ है, यहाँ 2a है यहाँ 2c है तो b माइनस सी माइनस ए, 2a और 2b है, c माइनस ए माइनस बी है। ठीक है, तो इस टाइप के साइक्लिक में क्या होता है, सबको सम अप करके अपन आंसर दे सकते हैं। यहाँ r1 में बन रहा है तो r1 की वैल्यू हो जाएगी r1 प्लस r2 प्लस r3, क्लियर है, ये पूरा प्योर आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या होगा, अगर इन सबको अपन जोड़ते हैं तो a एज इट इज रहेगा, ये माइनस बी है और ये 2b है, ऐड करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन लग जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और सेम चीज c के साथ भी हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही होगा, इसमें भी होगा, तो सब जगह आपके पास a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी तीनों जगह आ जाएगा, क्लियर है सबको। एक बार और देख लेते हैं, 2a एज इट इज रहेगा, इसमें ये ऐड हो रहा है तो 2a माइनस है ये a हो गया, ये b पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, ये माइनस 2c में प्लस 2c जुड़ेगा तो c हो जाएगा, और इसमें भी वैसे रहेगा, बाकी दोनों अनचेंज है तो वैसे रहेगा, 2b 2c r2 और r3 अनचेंज है, b माइनस सी माइनस ए ये हो जाएगा 2c, ये आपके पास 2b है और ये c माइनस ए माइनस बी। इससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास a प्लस बी प्लस सी तीनों जगह कॉमन निकल जाएगा, तो इसको अपन कॉमन लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 ये आपका डिटरमिनेंट है, 1 2b 2c ये भी 1, b माइनस सी माइनस ए ये 2c और ये भी 1, 2b c माइनस ए माइनस बी। अब अपने पास 1 1 1 आ गया, तो सिंपल है, अपने पास इसको जीरो करना है, तो अपन करते हैं c2 में c2 माइनस c1 और c3 में c3 माइनस c1, ये 2b और 2b कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखते हैं क्या आएगा, तो ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज है। ठीक है, c1 कुछ चेंज नहीं हुआ तो उसको तो पहले एज इट इज आते हैं, 1 2b और 2c, ये आपका उतर गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसको माइनस इससे कर रहे हैं, पहला वैल्यू ये जीरो आ गया। ठीक है, अब ये आपका b है, ये इसमें माइनस हो रहा है, ये पॉजिटिव भी है और ये निगेटिव भी है, बाकी दोनों भी निगेटिव है, तो माइनस दोनों से कॉमन निकाल के a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऑलरेडी c और a आपका माइनस में था, 2b को और इसमें माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा खत्म, 2b और ये 2b ये दूसरा हो गया, 2c माइनस 2c ये हो गया जीरो खत्म, ये आपका ऑपरेशन हो गया, c2 माइनस c1, c3 माइनस c1 करेंगे तो 1 माइनस 1 ये हो गया जीरो, 2b माइनस 2b ये भी हो गया जीरो। ठीक है, और यहां पर है 2c, ये फिर से वही चीज हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के आपके पास a प्लस बी प्लस सी बस बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका c2 है, ये आपका c3 है, इससे a प्लस बी प्लस सी और इससे a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, तो ये a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी था, इससे भी कॉमन आ गया, इससे भी कॉमन आ गया, तो क्यूब आ गया। ठीक है, यहां भी बच गया आपके पास 1 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। ठीक है, यहां भी 2 0, यहां भी किससे पे एक्सपांड कर लेते हैं, इससे बस एक्सपांड करते हैं, तो ये हटा माइनस माइनस प्लस 1 और ये 0, तो ये पूरा आंसर आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इनटू 1। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया, किसके इक्वल है आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इनटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 1 टाइम तो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अपने को x के लिए निकालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अगर प्लस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो, जो अपने को नहीं चाहिए, x इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। माइनस लेंगे, यहां पर माइनस है, ये पूरी वैल्यू किधर आएगा, तभी माना जाएगा, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ये आपका ऑप्शन बी इससे मैच करेगा। ठीक है, प्योर आर डी शर्मा का क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा इसको आपको ऑपरेशन लगा के समझना पड़ेगा, एक्स के लिए निकाल। ठीक है, आज के क्वेश्चन अपने 4 से 5 क्वेश्चन को डील किया है। ठीक है, जितने भी अपने पास लेक्चर 4 चल रहा है,
मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, इसके पहले के तीन लेक्चर का जो भी लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आगे आने वाले वीडियो में हम इसी चैप्टर को भी और आगे बढ़ाएंगे, जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है। तब तक लाइक, थैंक यू।